श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन और मस्तिष्क पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है। हमारे रोज के जीवन में चंद्रमा की वजह से हम काफी बदलाव महसूस करते हैं और आज आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी है। जी हाँ, चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहेंगे, यानी धन भाव में रहेंगे। ये दिन आपके लिए सफलता लाएगा, आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। नौकरी में और बिजनेस में दोनों जगह आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, धन भाव में चंद्रमा होने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके बिजनेस में मुनाफा होगा, आपको हर तरह से लाभ होने की संभावना है। इस दिन पैसों का लेन देन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कहीं निवेश करना है तो जरूर कीजिए, आज का निवेश आपको अच्छा फायदा दिला सकता है। ये दिन आपके परिवार वालों के साथ मजे में बीतेगा। जी हाँ, दूसरा घर कुटुंब का स्थान भी माना जाता है। आपके परिवार में इस दिन कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है। पारिवारिक सुख के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, आप अपने परिवार को वक्त दे पाएंगे। अगर इस दिन आप थोड़ा वक्त निकाल सके अपने परिवार के लिए तो परिवार के साथ एंजॉय करें, घूमने फिरने जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस आपके कुटुंब से, परिवार से और धन से जुड़ा हुआ है। ग्रहों की पोजीशन आपके ही फेवर में होने के कारण पारिवारिक व धन के मामले में काफी लाभ मिलने वाला है। अगर किसी से मनमुटाव या तकरार है तो आज रिश्ते अच्छे बनेंगे। बिजनेस में मुनाफा व धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते भी इस समय में मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस दिन अच्छी एकाग्रता से पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। विद्यार्थियों को आज अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। जी हाँ, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, प्लानिंग जरूर करें। अगर कोई एग्जाम है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, तो समय आपके साथ है, बिल्कुल चिंता ना करें। विदेश जाने के मौके भी इस समय में आपको मिल सकते हैं या विदेश से धन कमाने के मौके भी इस समय में आपको मिल सकते हैं, तो मौकों का फायदा जरूर उठाएं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। अपना प्यार व्यक्त करने के लिए ये समय अच्छा है। मैरिड लाइफ में मधुरता रहेगी, पार्टनर एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, अड़चने या तकरार दूर होती दिखेगी। अगर किसी को प्रपोज करना है तो समय अच्छा है, कर सकते हैं, सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आज का दिन प्रसन्नता व आनंद से भरपूर रहेगा, इस वजह से दिन का पूरा लाभ उठाए, दिन को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश जरूर करें। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी, दिन आनंद से भरपूर होगा। जो पहले से बीमार है उन्हें भी आराम मिल सकता है। अपने खान पान पर ध्यान दे, योगा करे, प्राणायाम करे और सुबह का टहलना शुरू रखे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिन सफेद रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।